वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम बात करेंगे एस्पेक्ट ऑफ मोस ट्रांजिस्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो कि होगी VT, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब ये जो है ये बॉडी इफेक्ट है एन मोस ट्रांजिस्टर का। इसमें पी सबस्ट्रेट है, एन की डोपिंग है और बीच में क्या बना हुआ है, चैनल बना हुआ है। इसमें हमने बायस वोल्टेज प्रोवाइड की है VSB। ये बायस वोल्टेज है जो सोर्स को यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है सबस्ट्रेट के साथ। ये बायस वोल्टेज है, ठीक है। ये डायग्राम हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है ये मोस ट्रांजिस्टर का, इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें क्या होता है, जो चार्ज होते हैं वो स्टोर होते हैं डाइलेक्ट्रिक लेयर में, ठीक है, जो सरफेस टू सरफेस इंटरफेस करते हैं। तो इसमें एक स्विचिंग एक्शन होता है। हमारे पास दो मोड होते हैं, एक तो होता है एनहेंसमेंट मोड, एक होता है डिप्लीशन मोड। देखिए ये जो मोड है डिप्लीशन मोड है। हमें कैसे पता है डिप्लीशन मोड है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, चैनल बना हुआ है। जो मोड में चैनल नहीं बना होता वो एनहेंसमेंट मोड होता है और इसमें हमने बायसिंग प्रोवाइड कर रखी है। देखिए क्या होता है कि एक तो होता है एनहेंसमेंट मतलब कोई चैनल नहीं बना हुआ। दूसरा होता है डिप्लीशन में चैनल बना हुआ है। अब इसमें स्विचिंग होती है, ठीक है। एनहेंसमेंट मोड की बात करें, अगर ऑफ से अगर ऑन कंडीशन में लेके आना है, ऑफ से ऑन कंडीशन में अगर ऑन स्टेट में लाना है, तो हमें एक गेट वोल्टेज, सफिशिएंट गेट वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, जो न्यूट्रलाइज करती है और उसके चार्जेस को और अनेबल करती है। ये तो एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में अगर ऑन से ऑफ कंडीशन में लाना है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उसमें भी हमें गेट पे, यानी कि जो हमारे गेट पे प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है, गेट पे एक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जिससे एनहेंसमेंट से डिप्लीशन मोड पे है। तो गेट पे इनवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जिससे डिप्लीशन, फिर से एनहेंसमेंट मोड में चला जाए। तो इसमें जो हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो इज इक्वल टू होता है 5 mS QB minus QSS upon C0 plus 2 5 mS, ठीक है। ये है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये जो है, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी कि VT की इक्वेशन है, VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब इस इक्वेशन में जो QB है, QB ये चार्ज है इसके पर यूनिट एरिया में, जो डिप्लीशन लेयर है उसमें, ठीक है, जो डिप्लीशन लेयर है उसमें चार्ज पर यूनिट एरिया इन डिप्लीशन लेयर QB रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है QSS, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, QSS रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज डेंसिटी को, चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी किसकी, QSS चार्ज डेंसिटी SiO2 की, इनकी जो इंटरफेस है Si और Si2 की इंटरफेस है, इनकी चार्ज डेंसिटी को। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज डेंसिटी को। और यहां पे QB भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, चार्ज पर यूनिट एरिया को, जो डिप्लीशन लेयर है उसमें। अब नेक्स्ट है C0, ये रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस पर यूनिट गेट एरिया, कैपेसिटेंस पर यूनिट गेट एरिया। नेक्स्ट है 5 mS, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क फंक्शन को, वर्क फंक्शन, जो डिफरेंस है गेट, एक तो गेट और SI2 की जो SI की जो लेयर है उसमें जो वर्क फंक्शन का डिफरेंस है उसके, उसको। और नेक्स्ट है हमारा 5 nF, ये जो 5 n के साथ f था, 5 nF
ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये फर्मी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्मी लेवल जो कि पोटेंशियल होगा, जो हमारा इन्वर्टेड सरफेस होता है और बल्क ऐसा ही होता है उसका फर्मी लेवल। अब देखिए इसमें अगर हम पॉलीसिलिकॉन गेट की बात करते हैं और सिलिकॉन सबस्ट्रेट, पॉलीसिलिकॉन गेट और सिलिकॉन सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो 5 ms ये जो वर्क फंक्शन है गेट और SI का वो नेगेटिव रहेगा, लेकिन नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना। पॉलीसिलिकॉन के लिए, पॉली सिलिकॉन, पॉलीसिलिकॉन गेट एंड सिलिकॉन सबस्ट्रेट, ठीक है, इसमें जो वैल्यू है, वैल्यू 5 ms नेगेटिव में होगी और नेग्लिजिबल होगी, नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। और इसमें देखिए जो मैग्नीट्यूड साइन होता है VT का, उसे डिटरमाइन किया जाता है बैलेंस से, जो बैलेंस किया जाता है जो नेगेटिव टर्म होती है, नेगेटिव टर्म कौन सी, जो नेगेटिव टर्म होगी -QSS/C0, ठीक है ना। इसको क्या किया जाएगा, जो थ्रेशहोल्ड वोल्टेज होती है उसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, जो बैलेंस होती है, कौन किस चीज के बैलेंस, एक तो नेगेटिव टर्म और दूसरा जो जो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी टर्म्स होती हैं उनके बैलेंस में, ठीक है। तो इन जो हमारा ये है ना QB, Φ, Fn, QSS, इनकी अपनी अलग टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो इनकी इसके टर्म और इनकी जो अलग अलग टर्म्स होंगी उस उन सारी टर्म्स में जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड और साइन जो होगा थ्रेशहोल्ड वोल्टेज का, उसको डिटरमाइन करते हैं इस टर्म और इन टर्म्स को बैलेंस करके। अब देखिए जो QB है इनकी टर्म्स अलग अलग होती हैं, QB की जो टर्म होती है वो होती है 2 ε₀ Fi Qn2 Φ Fn+VSB, ये होगी, ठीक है, जो कि कॉलम पर मीटर स्क्वायर होती है। अब इसमें देखिए ये जो टर्म है VSB, ये जो चीज है, ये बॉडी इफेक्ट है, ये वाली VSB, ये VSB, ये क्या है, सबस्ट्रेट बायस वोल्टेज है, सबस्ट्रेट बायस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज होती है ये नेगेटिव होती है, ठीक है, सोर्स के रिस्पेक्ट में NMOS के लिए, और पॉजिटिव होती है PMOS के लिए, इस तरह से इसे लिया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा εSiVT, जो सिलिकॉन की परमिटिविटी होती है वो होती है 11.7 की, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो QB हो गया, नेक्स्ट Φ Fn, ये क्या होता है, ये होता है KT/QK, ठीक है, KT/QK, जिसको लिया जाता है N/NiK, जो कि वोल्ट्स में होगा। नेक्स्ट है QSS, जो कि 1.528 की होगी, 10⁻¹, ये भी कॉलम पर मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें देखिए जो N, ये जो N है,
ये रिप्रेजेंट करते हैं इंप्यूरिटी कंसेंट्रेशन को, सबस्ट्रेट में जो इंप्यूरिटी कंसेंट्रेशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा Ni, ये इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। N ये अलग है, ठीक है, इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन सेपरेट है, और ये थ्री इक्वेशंस हैं, ठीक है। तीनों की अलग अलग जो है अलग अलग फॉर्म में इसे लिखा जाता है। अब देखिए इसमें जो Ni है, ये Ni, ये क्या है, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन जो 1.6 × 10⁻¹⁰ पर सेंटीमीटर क्यूब होती है 300 डिग्री केल्विन पे, ठीक है। ये होती है, क्या होती है, ये इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन। और जो के है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि होता है 1.4 × 10⁻²⁷ जाउल पर डिग्री केल्विन, ये होता है। और Q जो हमारे पास है यहाँ पे, Q ये वाला Q है, ये होता है कॉलम्स में, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कॉलम। ये भी लिखते Q इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कॉलम, ये Q की वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।